जय श्री कृष्णा। मानपूर्ण रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी आलू की पूड़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर स्वामी नारायण का आटा लिया है, जिसे हम उपवास में खा सकते हैं। और ये हर ग्रोसरी स्टोर पे मिल सकता है आराम से, इसे व्रत में खाया जाता है, इसे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप स्वामीनारायण आटा लिया है। उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है, भुना हुआ जीरा है ये। और उसके बाद 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है, तीखी वाली है। और 1/2 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है 2-3 पिंच काला नमक, ये काला नमक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सेंधा नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और फिर मैं यहाँ पर लूँगी 1 चम्मच घी लेंगे, ये घी डाल दिया है मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया लिया है, हरा धनिया है। और फिर मैं यहाँ पर लूँगी, फिर मैंने 1 नींबू का रस लिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और उसके बाद मैंने 1 कप आलू लिए हैं, जिनको मैंने मैश कर लिया है, आप चाहे तो 1/2 कप आलू भी ले सकते हैं इसमें। तो अब हम आटा लगा लेंगे, हमें इसी से ही लगाना है आटा। अगर पानी की इसमें ज़रूरत हो तो ही पानी डालें, और वरना इसे लग जाएगा। और मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पानी लिया है। और ये आटा लगकर हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयार हो गया। अब थोड़ा सा घी लगाकर हम इसको इस तरीके से मसल लेंगे। और फिर मैं इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे, ताकि ये पूरा सेट हो जाए आटा हमारा। तो हमने ढक्कन लगा दिया है, 5 मिनट इसको छोड़ देते हैं। तो ये 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा आटा जो है अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम फिर से थोड़ा सा घी लगाकर हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। और गैस पर अब हम चढ़ा देंगे घी, क्योंकि घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे जो पूड़ी है उसमें, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर घी यूज़ में लिया है, देसी घी। इसको हम गर्म होने देंगे। तो अब हम इस तरीके से एक लोई बना लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे अच्छे से। तो अब हमारा घी भी जो है गर्म हो चुका है अच्छे से, तो अब हम ये इसमें डाल देंगे और इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम ऊपर चम्मच चला देंगे और ये हमारी धीरे धीरे सिककर तैयार हो जाएगी। कभी कभी फास्ट में लगता है कि हम क्या बनाएं, कंफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी पूड़ी भी बना सकते हैं, इसकी रोटी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये हमारी पूड़ी बस अब सिकने वाली है और ये तैयार हो चुकी है। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ, या फिर आप आलू की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं, इसको बहुत टेस्टी लगेगी। दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं व्रत में। और इसी तरीके से बाकी बचे हुए आटे से हम उसकी लोया बनाकर पूड़ी बना लेंगे इस तरीके से। और ये लीजिए, हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी, यम्मी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की एकदम इजी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं इसी तरीके की नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।